रिकॉर्ड्स काफ़ी टाइम से हम सब लोग बचपन से ही देख रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ से इनविटेशन आया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। और बाकी सब जो ये सब जिसलिए भी हो रहा है, गाना हमारा बहुत हिट हुआ और अच्छा लग रहा है बहुत कि गाने को इतना प्यार दे रहे हैं सब लोग, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। इवेंट आज बहुत बहुत खूबसूरत है और ITA मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी गुड इवेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है लिटरली, और मैं नॉमिनेटेड हूँ फॉर द पॉपुलर एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दैट्स वेरी स्वीट ऑफ ITA टू कीप दिस बिग इवेंट्स। दे आर वेरी नाइस, दे होस्ट रियली वेल। थैंक यू। Hi, thank you so much for having me at ITA Awards 2023. Thank you so much. Thank you. क्या हाल है? हैं? चलिए पूछे। आओ आप भी आओ। अनिल जी क्या कहेंगे ITA सबसे पुराने और आइकॉनिक अवार्ड से अनुरंजन शशि रंजन की आप दोनों से सवाल है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी हियर और डेफिनेटली बरसों बरस से आई थिंक 22-23 साल से ये अवार्ड चल 23rd ईयर है, तो उनको इस अवार्ड को बहुत सारी बधाई, उन्होंने हमें इनवाइट किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ बधाई तो है, बधाई दे ही रहे हैं सब लोग, आनंद आ रहा है बधाई लेने में। अभी तीन का तो करेंगे ना, अभी शारिक सर बैठे होगा होगा नहीं। थैंक यू सो मच ITA फॉर ऑनरिंग गदर 2 और आप लोग को जैसे पता है कि गदर जब टीवी पर भी आई थी तो वहाँ पर भी धमाका मचाया था, इट्स हाईएस्ट रेटेड फिल्म ऑन सैटेलाइट टेलीविजन इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो यू नो सिंस ये ITA का अवार्ड है तो नॉट ओनली बॉक्स ऑफिस मगर TV पर भी एकदम सराहा गया है। थैंक यू सो मच। ओके platforms and they have tried to maintain, you know, the stature of the show, and it's just getting bigger and bigger and better and better. And yes, I've been a part of it, but only on the red carpet. I wish to perform as a dancer. I feel like I want to perform for this. So yeah, maybe next year you'll see me performing here. That's more of it. I think that's great because काम अगर अच्छा होगा तो व्यूज तो आएंगे ही, काम अच्छा होगा तो सब में दिखेगा, सबको दिखेगा। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई बिलीव दैट दिस प्रोजेक्ट विल डू वेल एंड इवन बेटर। बहुत स्ट्रेसफुल है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल बट आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ ट्राई टू मैनेज हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए। सो दैट्स स्लोली वेर इट्स मोस्टली इन अलीबाग और गोवा। Okay, just deciding. I'm super excited. It's ITA and we all are a part of, we have been a part of this since so many years. So I'm really happy to be here and yeah, I'm really glad to be here. I love them. They are like family. I know them since I was a kid and I've seen them growing. I mean, I've seen us growing. So it feels really great to be here. Thank you so much. Thank you. Hi everyone. Hi. What should I have to say? Okay. Hi, this is Kriti and I must say that Indian Television Awards is one of the biggest
biggest awards, and I'm super excited because I'm gonna present some award on the stage right now. So this is Kriti Verma. See you soon. Take care. खाना खा रहे हैं साथ में बाइट है प्लीज आई थिंक दे आर वेरी स्वीट स्पेशली अनु मैम आई लव हर इट्स सो नाइस टू बी हियर आई थिंक दिस इज द सेकंड टाइम आई एम अटेंडिंग आईटीए एंड इट फील्स नाइस स्पेशली टू बी विद हिम या या पहले मैं मैम का क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा अनु मैम के बारे में पूछ रहे हैं इतने स्वीट है अनु सर हाँ अनु मैम एंड सर सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड ऑनेस्टली इट्स इट फील्स लाइक यू नो व्हेन आई वाज यू नो व्हेन आई वाज गेटिंग बॉर्न इन दिस इंडस्ट्री यू नो अनु मैम शशि सर देवर देयर यू नो मेरा जिंदगी का पहला वन ऑफ माई फर्स्ट परफॉर्मेंसेज ऑन टेलीविजन वॉज आईटा सो इट फील्स लाइक कमिंग टू योर ओरिजिनल होम यू नो लाइक हाउ जबलपुर वॉज So it feels like that, and they are in all not taking away the youth in them because they are very young, but they are like my parents, you know, in a certain way. So I feel like coming to my parents. हाँ, अब तू पूछ, कैसा है तू? तुम लोग हग नहीं करने मिलता मेरे को अच्छा नहीं लगता. हाँ. Please. No, go ahead. I'm so glad. I think Bekabu ke baad hum pehli baar attend kar rahe hain ye event and it just feels nice. Yeah. Season 2? Hamara season 2 aa sakta hai Bekabu ka pata nahi. You know that's much more important. But nahi yaar bahut zyada pyar milta hai. Bekabu ke sare fans ko hum log bahut sara miss bhi karte hain and we try and keep them updated of what we are doing. Yeah, and we are really glad that we got a chance to be a part of such a beautiful show. So yeah, thank you. जी मतलब आईटा का मतलब जब से और मैं इंडस्ट्री में आने के पहले से मैं देख रहा हूँ और जितने अप्रिशिएट किए जाते हैं आईटा के अवार्ड उनके लिए बहुत मायने रखते हैं वो एक एक्टर के लिए एक आर्टिस्ट के लिए तो और इसका मैं पार्ट हूँ तो थैंक यू सो मच मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए थैंक यू मैं हूँ मैं और मैं ऐसी चीज़ों को मिस नहीं करता बीमार रहता हूँ मैं मेकअप करके आया हूँ कि मैं थोड़ा दिखूँ नहीं बीमार तो वो मुझे लगता है कोई भी आप शो करते हो तो एग्जर्शन हो जाता है और मैं अकेला नहीं बाकी कंटेस्टेंट को भी कहीं ना कहीं चोटे किसी को थोड़ी थोड़ा चल रहा है पर मुझे लगता है तभी जाके मज़ा है तभी वो जर्नी कम्प्लीट हो पाती है मैं सलाइन वलाइन लगा के सब ओके हमारे आई ने सिखाया है कि गिरने का सब करने का रुकने का नहीं तो मैं रुका नहीं आया हूँ बिकॉज 16 अच्छा 16 की बात 16 के कंटेस्टेंट आए अरे वो तो मतलब मैं तीन उनके साथ ही तो था मैं हाँ मैं मिलते रहता हूँ
17 को तो मैं मतलब अभी मैं यार इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ इंशाल्लाह। गेम कैसी लगी आपको? उसका यार गेम पूछना ही गलत है, वो मजा हुआ खिलाड़ी। देखो प्रेशर तो मैं, आप मुझे अगर देखोगे रिहर्सल करते समय कोई भी प्रेशर तो मैं गलती से अभी तक नहीं ले पाया हूँ, कोई ना इंजीनियरिंग का ना लिया ना अभी लूँगा। मैं मजे करता हूँ बट वो थोड़ा एग्जर्शन हो जाता है, वही चलता है जी। फैमिली मेम्बर जो एक स्पेशल पर्सन है मेरे लिए जो ताई और आजी, तो आजी स्पेशली, ताई तो एक शो में आई थी तो आजी पहली बार ट्रैवल करके आई थी और वो सब चीज़ें, इसलिए वो ज़्यादा स्पेशल था। थैंक यू जी। मैं यही शुरुआत में कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड मैं घर पे बैठ के देखा करता था और एक्टर बनने के बाद जब मुझे ये अवार्ड रिसीव हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ, मैंने कुछ सही किया है लाइफ में। सो अनु मैम, शशि सर दोनों बहुत बहुत काइंड और स्वीट रहे हैं हमेशा, बिकॉज बहुत टाइम से टेलीविजन नहीं किया उसके बाद भी मुझे दे ऑलवेज कीप मी इन माइंड मेकिंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। अभी तो प्रेजेंटली आई एम दैट फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन, वो फीलिंग अभी भी सिंक इन हो रही है एंड आई एम लाइक फीलिंग रिलैक्स नाउ। अभी फिलहाल कोई प्रेशर नहीं कुछ नहीं, सो अभी तो आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। नहीं पहले भी आई हूँ ऐसा नहीं, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सना जी, जब आप लास्ट मोमेंट में घर पे थे रिंग एंड खानजादी की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, आप कुछ बताना चाहोगे, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे उसमें? नहीं, और काफी अच्छा पिक कहा गया था जो हमें बीप करके दिखाया है टेलीकास्ट। हाँ हाँ करेक्ट, तो वो इसमें एक्चुअली ऑनेस्टली मैं किसी, मैं जानती हूँ खानजादी कभी कभी अननेसेसरीली भी करती है चीज़ें, तो खानजादी के जो हरकत होती है वो फुटेज के लिए भी होती है, तो ऐसे सपोर्ट मैं ऐसे स्ट्रांगली ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे मैं किसी के अगेंस्ट, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलरली किसी के अगेंस्ट ही, बट उस टास्क में खानजादी ने स्पेशली बहुत अनफेयर थी वो, बिकॉज शी वॉज नॉट लेटिंग द फीमेल्स गेट इन, तो वहाँ पर वो हमारे साथ गलत हुआ समवेयर डाउन द लाइन। I want Ankita to win. For now, I'm going to focus on my profession and let's see how it goes forward. Hello. Something your experience with ITA 23 years. Well, first I want to congratulate ITA on completing 23 years. आई रिमेंबर जब मैं अभी अंदर आ रही थी मैं उनकी धुन सुन रही थी एंड आई रिमेंबर इट सो सो क्लियरली। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट द टीम, इट्स इनक्रेडिबल दैट फॉर सो मेनी ईयर्स दे हैव मैनेज टू, एवरी टाइम द अवार्ड जस्ट कीप्स गेटिंग बिगर, सो कंग्रेचुलेशन। Well, the response has been great. When your film releases on a digital platform, it just reaches out to a larger audience. And I'm just really, really thankful. I'm overwhelmed. It's a film for women and they love it. And I just hope that I get to make many, many more. How difficult was it for you, the character? It was fun. It's a comedy film and I've never done front-footed comedy. So for me, it was a lot of fun. Thank you. Right.